तेजस्वी यादव जी तो तीन क्या शून्य सीट भी बोल सकते हैं। अरे सोना के चम्मच लेकर के आए हैं, माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, इस पहचान के अलावे और क्या है इनके पास? इनको पता है जमीनी हकीकत कि बिहार की जनता तीन उपचुनाव में इनको कहाँ पहुँचा दिया? जातीय उन्माद पैदा करके और धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र स्तर पर जो कुछ बात करना होगा बाद में कुछ भी तय होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं उनको सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए कि जो अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकते, आपस में एक दूसरे को ठगने के चक्कर में किसी तरह से गठबंधन बनाते हैं, वो देश के नेतृत्व करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस में भी बहुत तजुर्बेकार नेता तो बैठे हैं, वो तो समझ रहा है कि ये तो वहाँ ठगते ठगते हमको भी ठगने के लिए आ रहा है, इसलिए उन्होंने इन लोगों को इग्नोर किया है। तो समझना चाहिए बिहार के नेतृत्व को, बिहार को भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिहार को कितना कलंकित करेंगे। बड़े भाई छोटे भाई मिलके बिहार का सम्मान तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बिहार को लज्जित करने का काम ये लोग जरूर कर रहे हैं। हर जगह से दुत्कारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, इग्नोर कर रहा है, और आप बार बार कल जोर के कह रहे हैं सुन लीजिए, मेरे तरफ देख लीजिए। इन लोगों को शर्म लगनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। नीतीश कुमार सर, पूरे देश में भाजपा को 100 सीटों पर सिमटाने की बात कर रहे हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 सीटों पर सिमटा देंगे लोकसभा चुनाव। तेजस्वी यादव जी तो 3 क्या शून्य सीट भी बोल सकते हैं, न अनुभव है न फील्ड का आइडिया है। अरे सोना के चम्मच लेकर के आए हैं, माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, इस पहचान के अलावे और क्या है इनके पास? इनको पता है जमीनी हकीकत कि बिहार की जनता तीन उपचुनाव में इनको कहाँ पहुँचा दिया? जातीय उन्माद पैदा करके और धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करेंगे। बिहार के हर जाति के अच्छे लोग की संख्या 95 से 99% है, 1-2% लोग जो नौ सामंत शाही इनके जैसे लोग हैं, 10% भी इनकी संख्या अब नहीं रही है। नौ सामंत शाही जो 32-33 साल से सत्ता के केंद्र बिंदु पर बैठ करके पार्टी और सरकार चलाने का सपना देखते हैं, उसको बाहर कर देगा, वो अब नहीं रहेगा। रहेगा तो जो जमीन से जुड़ के पसीना बहा करके साफ बेदाग छवि के लोग अब शासन करेगा। साफ विजय कुमार सिन्हा जी से, विजय कुमार सिन्हा की तमाम बातें सुनी आपने। विजय कुमार सिन्हा का यह साफ कहना है कि जो साफ छवि का लोग वो बिहार की राजनीति करेगा, बिहार का नेतृत्व करेगा। तो वहीं जिस तरीके से बातें सामने निकल रहे, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे, इसको लेकर जमकर हमला बोल रहे थे विजय सिन्हा क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। तो आप और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सही गोयल के साथ अभिषेक के।